महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेते हुए कहा कि वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति, मानव आहार में देशी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देशी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए ये देशी गायों को अब से राजमाता गौमाता घोषित करने की मंजूरी दी गई। भारत में कई पशु पक्षियों से लेकर पेड़ और नदियों तक की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गायों को काफी महत्व होता है। वहीं गाय को पवित्र मानने के साथ ही उसके दूध, मूत्र और गोबर को पवित्र माना जाता है। मान्यता के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और यही वजह है कि लंबे समय से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है और समय समय पर केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की अपील की जाती रहती है। इसके अलावा शिंदे कैबिनेट में एक और अहम फैसला लिया गया जो कि एक बड़ा फैसला है, ये कि मुंबई के धारावी में अवैध झोपड़ी वालों को शिंदे सरकार किराए का घर देगी। जी हां, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला बैठक में लिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वाघे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला वाघे जी, बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। इससे पहले भी कई बार अपील की जा रही थी राष्ट्र माता के दर्जे के लिए, लेकिन महाराष्ट्र की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। आकांक्षा जी, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़े अहम फैसले लिए हैं। लगातार फैसले महाराष्ट्र सरकार, जो इलेक्शन अभी विधानसभा का होने वाला है, उसके मद्देनजर महाराष्ट्र और सरकार बहुत अहम फैसले ले रही है। आज उन्होंने 38 फैसले लिए हैं जो इलेक्शन आने वाला है उसके मद्देनजर नजर रखते हुए फैसले लिए है। सबसे बड़ा फैसला है जो गौ माता का, जो देसी गाय है महाराष्ट्र में, उसकी विविध जाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, जैसे कि मराठवाड़ा विभाग में देवनी, कल्याण, कंधारी, पश्चिम महाराष्ट्र में खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्र में दांगी और विदर्भ में गौराव नाम की जाति पाई जाती है देसी गाय की। इस देसी गाय को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता और गौ माता का दर्जा आज दिया है। इसके बावजूद जो गौशाला है महाराष्ट्र की में, जितने भी गौशाला है, उन गौशालाओं के लिए भी यूपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। जो गौशालाओं में जो भी गाय है, 50 गाय हो या 100 गाय हो, एक गाय के लिए हर दिन महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार 50 रुपया का सब्सिडी वो गाय के लिए दे देगी। ये बड़ा, बहुत बड़ा फैसला है आज के दिन में। वही मंगला जी, जिस तरीके से देखा जाए तो हिंदू लोगों की काफी भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं, तो जो हिंदू संगठन है उसकी किस तरीके की प्रतिक्रिया इसको लेकर अब सामने आ रही है? जी, हिंदू संगठन है, उनकी हिंदू संगठन की लगातार मांग थी कि जो गौवंश हत्याबंदी महाराष्ट्र में की जाए, लेकिन आज जो गौ माता का दर्जा गाय को दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी हो सकता है कि गौ जो गाय की हत्या महाराष्ट्र में होती थी, वो जो की जाती उस पर पाबंदी आ सकती है। और जो जो हिंदू संगठन है उसकी भी लगातार मांग थी, जो गौशाला है, जो जो गाय को बड़ी होने के बाद छोड़ दिया जाता रस्ते पर, उसका पालन करने के लिए बहुत सारी संगठनें गौशाला बनाकर रखी है, उसके लिए जो गाय के लिए जो खाद्य लगता था उसको सब्सिडी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। हर गाय को, एक गाय को प्रतिदिन 50 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। मंगला जी, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आज लिया गया है, एक और गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है, तो वहीं शिंदे सरकार की ओर से आज एक और अहम फैसला लिया गया है जिसमें मुंबई के धारावी में अवैध झोपड़ी वाले को अब शिंदे सरकार की ओर से किराए का मकान दिया जाएगा, तो इसको लेकर लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, देखिए, धारावी जो मुंबई का इलाका है, जो एरिया है, उसमें एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है जी। उसमें एशिया की सबसे ज्यादा से ज्यादा लगातार उसकी संख्या 1.5 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर होगी, इतनी सारी झुग्गियां धारावी में है।
पहले से ही धारावी में जो लोग रह रहे हैं उसमें जो झोपड़ी अवैध है, जो झोपड़ी वैध है, उसका पुनर्वसन अदानी के तहत किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और अदानी के गौतम अदानी की जो कंपनी अदानी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जो पात्र जो वैध झोपड़ी है उनको पक्का घर धारावी में ही दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो अवैध झोपड़ी है, अवैध झुग्गी है, उसका पुनर्वसन भी करने का सरकार ने फैसला किया है। जो अवैध झोपड़ी वाले हैं उनको भी घर दिया जाएगा, लेकिन उनको किराए से घर सरकार मुहैया कराएगी। और इसके अलावा जो धारावी में, आपको बता दूं कि धारावी में बहुत बड़े पैमाने पर दलित बस्ती है, उसको दलित बस्ती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम फैसला किया है। जो भी धारावी में रहने वाले लोग हैं, उनकी झोपड़ी अवैध हो या कुछ भी हो, सबको घर मिलेगा। ये सिंधी सरकार का, महायुती सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, सबको घर मिलेगा, कोई भी बेघर नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। तो वही मंगला जी, आगामी समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और कुर्ला में कामराज नगर है, वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टी है, वहाँ भी दलित बस्ती है, उनको भी एसआरए के तहत घर अवेलेबल किया जाएगा। ये सिंधे सरकार का आज बहुत बड़ा फैसला है। मंगला जी, विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में होने वाले हैं, तो जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लिया गया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चुनावी सरगर्मियों के बीच वोटर्स को साधने की भी एक कोशिश मानी जा सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, जो धारावी के बारे में उन्होंने अहम फैसला लिया है, जो धारावी और बांद्रा की जो इलाका है लोकसभा, वहाँ से कांग्रेस चुनकर आई है, वहाँ से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ एमपी बनी है, सांसद बनी है। लेकिन ये जो फैसला धारावी के बारे में लिया है, वो लेकिन वोट में कितना तब्दील होता है, वो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन ही हमें बता पाएगा। ठीक है मंगला वागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आज महाराष्ट्र में ये बड़ी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है, साथ ही आपको बता दें कि झोपड़पट्टी वालों को किराए का मकान देने का भी शिंदे सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। माना जा सकता है कि आगामी समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनजर सरकार भी काफी एक्टिव मोड में है, और कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने की भी ये एक कोशिश, एक पहल मानी जा सकती है।